शांति 12/3/2021। आज के मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर है, बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। गीत है, तुम्हें पाके हमने। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप टीचर सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती है उन पर चलना है। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। दूसरा, अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है, संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान, निश्चय के आधार पर सदा एकरस अचल स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चिंत भव। निश्चय बुद्धि की निशानी है ही सदा निश्चिंत, वह किसी भी बात में डगमग नहीं हो सकते, सदा अचल रहेंगे। इसलिए कुछ भी हो सोचो नहीं, क्या क्यों मैं कभी नहीं जाओ। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो, क्योंकि हर कदम में कल्याण है। जब कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है तो वह अकल्याण को भी कल्याण में बदल देगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। स्लोगन, जो सदा स्नेही है वह हर कार्य में स्वतः सही बनते हैं। ओम शांति।